हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो पे आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने बताया था एक वीडियो में या फिर दो वीडियो में मैंने बताया था कि मैं संडे को, अब हर संडे को लाइव आऊंगा, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर करूंगा, आपसे मतलब कि बातचीत करूंगा। लेकिन यार आज मैं लाइव आया भी था, लेकिन यार कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव मतलब कि लाइव को एंड करना पड़ा, क्योंकि यार मेरे जीमेल पे एक मैसेज आ गया यूट्यूब टीम की तरफ से कि आपने कुछ गलती कर दी है जिससे आपका लाइव स्ट्रीम बंद किया जा रहा है और आप अभी इस समय लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो यार मैंने जब इसको पढ़ा तो यार उसमें था कॉपीराइट। तो यार मैं तो यार पहले बहुत ज्यादा डर गया, फिर उसमें यार लिखा था कि आपने ये कुछ गलतियां कर दी है इसलिए आपके कॉपीराइट आ रहा है। मतलब की प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन आपको ऐसी गलती ना करें इसके लिए मैंने आज तुरंत वीडियो भी बना दी कि यार क्या मैंने गलती की और किस कारण मेरे लाइव स्ट्रीम पे कॉपीराइट दिया गया। चलिए दोस्तों, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ढेर सारे वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो डेली लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मतलब कि जीमेल में लिखा क्या था। तो उसमें सबसे पहले लिखा था कि हाय टेक्निकल कृष्णा, योर वीडियो हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूट्यूब। तो मतलब कि आपकी वीडियो यूट्यूब से रिमूव कर दी जाएगी, आपने मतलब कि ये गलती की है इसके कारण आपका मतलब कि ये रिमूव कर दिया जाएगा। फिर उसमें आगे लिखा था कि यार आपका चैनल पे ये कुछ मतलब कि आपने सेटिंग्स में कुछ गलतियां की। तो सेटिंग में मैंने क्या गलती की थी कि यार मैंने मेड फॉर किड्स पे मतलब कि सेलेक्ट कर दिया था, जो कि मेरा कंटेंट था नो इट्स मेड फॉर किड्स, और मैंने मेड फॉर किड्स पे क्लिक कर दिया था इसी के कारण। मतलब कि आप देख सकते हैं ना, छोटी सी गलती मैंने की और मेरे मतलब कि लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया गया और कॉपीराइट दे दिया गया। मतलब कि आप लोग सोचते होंगे कि भाई बहुत ही छोटी छोटी चीज है तो इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल YouTube गाइडलाइंस इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आपको बिल्कुल एक एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और मैं जल्दी में था यार, मैंने बस नो इट्स नॉट मतलब कि मेड फॉर किड्स पे क्लिक कर दिया और मेरे मतलब की दो या तीन में मैं लाइव था, मतलब की बातचीत हो रही थी, आप लोग के मतलब की क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था। लेकिन तुरंत ही यार उसमें जीमेल आ गया कि भाई आपने ये गलती कर दी जिससे आपका लाइव स्ट्रीम बंद किया जा रहा है। इससे मुझे प्रॉब्लम क्या होगी कि यार अब मुझे कुछ दिन में लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार लाइव स्ट्रीम का मतलब की ऑप्शन मुझे दो तीन दिन या फिर एक हफ्ते के लिए बंद किया जा सकता है, फिर उसके बाद मेरा ऑन किया जाएगा। सुपर चैट भी बंद किया कर दिया जाएगा और या फिर सुपर स्टिकर्स भी सारे कुछ भी मेरे चैनल पे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में जब आपका कॉपीराइट आता है तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपका एक हफ्ते तक शायद आप लाइव स्ट्रीम ना कर पाए, या फिर 24 आवर्स के लिए भी लाइव स्ट्रीम बंद किया जाता है। शायद मुझे 24 आवर्स के लिए ही मिला है कि यार 24 घंटे तक आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो देखते हैं भाई कब लाइव स्ट्रीम ऑन होता है, फिर उसके बाद मैं कभी ना कभी लाइव स्ट्रीम आऊंगा। लेकिन इस बार लाइव स्ट्रीम आऊंगा तो यार बिल्कुल ध्यान करके आऊंगा कि कोई भी स्ट्राइक ना है और कोई भी मेरी गलती ना हो। तो यार इसकी गलती आपको बिल्कुल मत करिएगा, ऐसी गलती आप मत करिए कि आपके भी मतलब कि आप लाइव स्ट्रीम करें तो ऐसा कुछ गलती आए। तो बिल्कुल आप ध्यान से एक एक चीज पढ़ के फिर आप उसके सेटिंग्स को सेट किया करिए, जिससे आपका मैं अगर आप इस बार लाइव आऊंगा तो आपको वीडियो में बना के आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या सेटिंग आप जिससे करें जिससे आपका कोई कॉपीराइट या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्ट्रेस हो आज बिल्कुल एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और आपको आपके पास कोई भी ऐसा लाइव स्ट्रीम का या फिर कुछ किसी भी चीज का कॉपीराइट नहीं आएगा। चाहे दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।